हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजीनोवा 2mg टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस टैबलेट को आप किन किन यूजेस में ले सकते हैं, इस टैबलेट को लेने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस टैबलेट को कब नहीं लेना चाहिए और गाइज इस टैबलेट को लेने का सही तरीका क्या है। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जेन्युइन और सच्ची इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेडिसेस टू ऑल की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। 28 टैबलेट्स का प्राइस 419 रूपए है। प्रोजीनोवा 2mg बायर जाइडस फार्मा लिमिटेड का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर एस्ट्राडियोल 2mg होता है। एस्ट्राडियोल एस्ट्रोजन का एक फॉर्म है। यह बॉडी में नेचुरल हार्मोन्स एस्ट्रोजन को बदलने का काम करता है और जब ओवेरी के थ्रू सेक्स हार्मोन्स बन नहीं पाते हैं तो ये उस सिचुएशन में भी काम करता है। इसके यूजेस की बात करें तो इस टैबलेट को आप रजनीवृत्ति के बाद होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम में, यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम में, टाइम से पहले ओवेरियन फेलियर की प्रॉब्लम में, ब्रेस्ट कैंसर में और प्रोस्टेट कैंसर में इजीली ले सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर एस्ट्राडियोल का यूज हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी में, रजनीवृत्ति के बाद महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी को रोकने में, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम में और कॉन्ट्रासेप्टिक टैबलेट के फॉर्म में भी किया जाता है। इस टैबलेट को लेने से आपको कुछ साइड इफेक्ट्स भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपको वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वेट लूज और गेन भी हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, स्किन में जलन हो सकती है और लूज मोशन भी हो सकते हैं। अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं या फिर लेना स्टार्ट करते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर फील होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इस टैबलेट को लेने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान दें, जैसे कि अगर आपको लीवर की बीमारी हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो और ड्रग एलर्जी हो, मतलब इस टैबलेट में दिए गए कंटेंट से एलर्जी होना। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपका इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन देखकर इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब करेगा। इसकी डोजेस की बात करें तो इस टैबलेट को लेने का सही तरीका क्या है, तो वुमेन्स इस टैबलेट को दिन में एक बार कुछ खाने के बाद कंटिन्यू 28 डेज तक ले सकते हैं और बच्चों से इस टैबलेट को दूर रखें। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज ये था प्रोजीनोवा 2mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।